हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक एलजी की 28 इंच की एलईडी टीवी, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने 19 वोल्ट के अडेप्टर इनपुट करके रखा हूँ और इनपुट करके मैं लाइन दिया और यहाँ पर ये हमारी लाल इंडिकेटर जो है वो जल नहीं रही है। तो हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं कि कहीं से ये छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं। हालांकि ये बहुत डस्ट लगा है, डैम्प लगा है। आपको इस ड्राइवर आईसी में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डंप लगी हुई है। इस मेन आईसी में भी बहुत सा मॉइस्चराइजर लगी हुई है और इसमें कहीं पर भी किसी तरह से सोल्डरिंग टच नहीं हुआ है। ये नेट इन क्लीन दिख रहा है, फिर भी हमारा ये सेट जो है ये नो इंडिकेट पर है, यानी कुछ इंडिकेट नहीं जल रहा है। हालांकि इनपुट हमारी ठीक 19 वोल्ट हो रही है, यानी इनपुट ढुक रहा है बोर्ड के अंदर, प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आज का जो विषय है, हम एक ये स्मार्ट मीटर से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको स्मार्ट मीटर इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ऑटो के ही रेंज पे रखते हुए ऑल टोटल एसी डीसी रेजिस्टेंस मेगा ओम्स पीएफ सब कुछ है। आपको कोई सेलेक्ट करना नहीं पड़ता है, वो ऑटो मतलब स्मार्ट तरीके से ढूंढ लेता है। इसलिए हम इसको स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं और स्मार्ट मीटर बोला ही जाता है। पहले हम लोगों का टॉपिक आज मीटर नहीं है। आप लोग भी बोलते होंगे या वीडियो में देखेंगे तो बोलेंगे सर ये मीटर, तो इसको स्मार्ट मीटर बोला जाता है। पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे भी हम लोग देख ले और अच्छी तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, डैम्प लगा हुआ है, कोई जला हुआ नहीं है। बहुत सा मॉइस्चराइजर मतलब डैम्प दिख रहा है। तो हमारा डैम्प सवाल नहीं है, हमारा सवाल है कि ये सेट स्टैंड बाई से रिलीज क्यों नहीं हो रही है, या यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर लाइट है वो क्यों नहीं जल रहा है। अभी भी लाइन दिया हुआ है, हमने लाइन बंद किया। अब हम लोग मीटर से वोल्टेज को माप लें। दोस्तों, पहले हम लोग देख लें कि इसमें इनपुट क्या है। तो यहाँ पर आपको डीसी इनपुट लगभग 20 वोल्ट के मतलब दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद हमारा जितना आउटपुट की जो सप्लाई है, ये आउटपुट की सप्लाई में हमको ये किलो ओम्स की दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितनी आउटपुट है हमारी सप्लाई जो है ये सब ओम्स पे हमको दिखाई दे रहा है। ओम्स मतलब किलो ओम्स, ओम्स नहीं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, के, पहले क्या दिखाई दे रहा है के, उसके बाद ओम्स यानी किलो ओम्स। और ये कहीं पर भी हमको इसकी आउटपुट नहीं मिल रही है, कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पर अगर एसी रहेगा तो एसी लिख देगा, डीसी रहेगा तो डीसी लिख देगा, हाई वोल्टेज रहेगा तो हाई वोल्टेज का इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमको ये रेजिस्टेंस का ही सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कहीं पर भी, जैसे कि ये हमारी ड्राइवर सेक्शन का है तो ये ड्राइवर सेक्शन में हमारी आउटपुट डीसी जो है 20 वोल्ट की लगभग में हमको सही इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी आउटपुट नहीं है तो अब हमारा मन में क्या जिज्ञासा है, मन में क्या प्रश्न है कि इसमें से हमारा कौन सा रेगुलेटर जो है वो प्रॉब्लम है, कौन सा रेगुलेटर हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो हो सकता है आप लोगों को बोला जाता है कि थोड़ा सा इसको भी टच करके देख लो कि ये कौन सा कोई रेगुलेटर अगर ख़राब है तो हीट हो रही होगी। तो ये कहीं पर भी हीट नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं, सब पूरी तरह से कोल्ड है, एकदम पूरी ठंडी है। आप लोग सोचते होंगे कि चलो सर तो बोल रहे हैं कि पूरी ठंडी है, हो सकता है सर को गर्म लग रहा हो फिर भी बोलते होंगे कि ठंडी है, क्योंकि हम तो वहाँ पर देखने तो गए नहीं है, वो हाथ से देख रहे हैं तो बोल रहे हैं ठंडी है, लेकिन उनको पता है कि ये शॉर्ट है, या उनको पता है ये शॉर्ट है, इनको पता है ये शॉर्ट है, इनको पता है ये शॉर्ट, कोई भी हमको शॉर्ट पता हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इस बोर्ड की टेम्परेचर देखें, इस बोर्ड की टेम्परेचर कहाँ क्या है, तो हम लोग टेम्परेचर को चेक करें। दोस्तों, हम ये टेम्परेचर वायर ले चुके हैं इसी मीटर का और इस मीटर में आपको दिखाई दे रहा होगा 22 डिग्री सेल्सियस और इसमें होगा 0.0, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसमें वोल्टेज है
कि नहीं। हमने यहाँ पर वोल्टेज इसमें बोर्ड में ऑलरेडी है, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इनपुट ऑलरेडी है। अब इनपुट के साथ हम इस आईसी पर देख रहे हैं कितने टेम्परेचर है, तो 23। हर आईसी पर हर जगह हम यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो आप टेम्परेचर देखें कितना टेम्परेचर हो रहा है या मिल रहा है कहीं पर भी। ये आप कहीं पर भी इस वायर को आप ले जाए, कहीं पर भी, इस आईसी पर कहीं पर भी आप देखें, ये 23 डिग्री सेल्सियस से 24, यहाँ पर ये मॉस्फेट पर 24 दे रहा है, कहाँ 26 दे रहा है, देखिए यहाँ 26 हो रहा है, यानी इस आईसी पर 28, मतलब कहीं पर भी ये टेम्परेचर आपको, ये बोर्ड का टेम्परेचर कहीं पर भी, आईसी की बोर्ड के टेम्परेचर 26, यानी हमारी हाथ की टेम्परेचर, लगभग हमारी हाथ की टेम्परेचर इसमें 32 दिखाई दे रहा है, यानी ये कहीं पर भी हमारा जो ये बोर्ड जो है वो टेम्परेचर जो है वो कहीं पर भी शॉर्ट आईसी नहीं है। तो अब हमको इस परिस्थिति में क्या करना है, कोल्ड टेस्ट। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, कोल्ड टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल रेगुलेटर पर देखेंगे कि कहीं शॉर्ट है कि नहीं। तो ये हमको कहीं शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी हमको शॉर्ट, ये नहीं, ये तो ग्राउंड है, ये यहाँ बोर्ड पर, ये कहीं पर भी हमको शॉर्ट दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पर हमको कोई रेगुलेटर जो है वो शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ग्राउंड है, ये जो पीएफ है ये ग्राउंड है, लेकिन हम जब उसको खूब केयरफुली से चेक किया तो ये हमारी एक फ्लैश आईसी है, और फ्लैश आईसी में आपको भी मालूम है कि इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर जो है वो हमारा VCC होता है, यानी 3.3 वोल्ट। वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर ये 3.3 वोल्ट, और ये हमारी एक मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का भी 8 नंबर पिन पे होता है हमारा VCC। जब हम इसको 8 नंबर पिन पर ले जा रहे हैं तो ये हमारा ग्राउंड दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्राउंड, यहाँ पर 8 नंबर पिन पर हमारा ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड बजर आपको बज रहा होगा। अब इस आईसी के भी अगर हम 8 नंबर पिन पे जा रहे हैं तो हमारा बजर बज रहा है, यानी ये 3.3 जो है ये हमारा शॉर्ट है। अब 3.3 कौन सा शॉर्ट है, क्योंकि हमारा तो रेगुलेटर जो है वो सही है, यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट है, ये आईसी शॉर्ट है, या मेन आईसी शॉर्ट है, या कोई छोटा मोटा कंपोनेंट शॉर्ट है। आप इस परिस्थिति में जूझते हैं, आपको मालूम है कि इस परिस्थिति में तब हमको क्या करना चाहिए। इस परिस्थिति में हमको, जहाँ पर हमको मालूम है कि हमारा जो ये आठ पिन की जो ये आईसी है वो 3.3 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि हमको यहाँ पर ग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कोई भी डीसी पावर सप्लाई का यूज करके, यानी जिसको बोलते हैं पीसीबी शॉर्ट किलर, हम यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ 3.3 रहता है, हम 2 वोल्ट देंगे, 2.5 वोल्ट देंगे, 1 वोल्ट देंगे, 1.5 वोल्ट देंगे, लेकिन 3 वोल्ट से हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे। अब हम लोग ये लाइव आपको दिखा रहे हैं, जो करते हैं हम लाइव करते हैं, लाइव के सिवा आपको यहाँ पर कॉपी कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा बना हुआ मेड डीसी जो पावर सप्लाई वो हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे ये वाली, यहाँ दिखाइए ये वाली में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट देने के बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग 3.3 वोल्ट देंगे, और उसके बाद हम लोग ये टेम्परेचर मीटर से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हीट हो रहा है। आपका प्रमाण के लिए, आपको विश्वास में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2.3 वोल्ट दिखाई दे रहा होगा, और अब हम इसको ग्राउंड कर दिए हैं और इसमें हमारा 2.3 वोल्ट है, और एक हाथ में हमारा जो टेम्परेचर जो है वो वायर है, और वहाँ पर आपको मीटर पे दिखाई दे रहा होगा 23 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे कहाँ, तो हम चले जाएंगे हमारी फ्लैश आईसी पर, दिखाइए यहाँ पर फ्लैश आईसी, देखिए सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं जल गया सर, नहीं बना, तो हम लोग चले जाएंगे फ्लैश आईसी पर,
देखिए दोस्तों धुआं फेंक रहा है, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, जहाँ ये शॉट है वहाँ धुआं फेंक रहा है, आप यहाँ पर दिखाइए, इसमें जाइए, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिएगा जो शॉट है वो धुआं फेंक रहा है, यहाँ पर अब हम लोग टेम्परेचर लगाएंगे। देखिए धुआं फेंक रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा, टेम्परेचर हम लोग ठिकाएंगे कि टेम्परेचर कहाँ कितना है। देखिए यहाँ पर दिखाइए, देखिए दोस्तों ये हमारा 53-56-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर दिखाइए क्या जल रहा है, यहाँ पर आपको जल लेते हुए एक छोटी सी जो पीएफ है वो पूरी आग की तरह हो गई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटी सी पीएफ जो है वो आग की तरह हो गई है, और एकदम बारीकी पीएफ जो कि हमारा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग यहाँ पर दिखाइए मीटर पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी हमारा जो शॉर्टेज है वो वहाँ पर दिखाइए, ये देखिए एक छोटी सी पीएफ, यहाँ पर एक छोटी सी जो पीएफ है वो हमारा शॉर्ट है, यानी ये हमारा फाइंड आउट हुआ कि ये हमारा यही छोटी सी पीएफ शॉर्ट है। तो यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम आलतू फालतू शक के आधार पर हम कोई कंपोनेंट नहीं खोले, अब हम यही पीएफ जो यहाँ पर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पीएफ ये दिख रहा है, ये हमारा पीएफ जो है वो हमारा शॉर्टेज है, यहाँ पर टेम्परेचर मीटर जो बताया हमारा यहाँ पर हमारा हीट हुआ कितना लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, यानी ये पीएफ भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ एक पीएफ लगा हुआ, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये एक पीएफ है और ये एक पीएफ है, लेकिन जला हमारा ये भी अभी भी गर्म है, शायद अभी भी हम लाइन दे रहे हैं तो शायद ये गर्म है, चलो हम लोग इसको निकाल दें। तो दोस्तों हमने वहाँ से जो पीएफ को रिमूव कर दिया, जो एक छोटा पीएफ एकदम बारीकी सी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा दो बड़ी बड़ी पीएफ दिख रहा है, एक ब्राउन और एक हल्का मतलब डीप ब्राउन एक लाइट ब्राउन, लेकिन इसमें से कोई शॉर्टेज नहीं है, एक बारीकी पीएफ जो था वो शॉर्ट था, और ये हमारी जो आईसी से जो हमारा ग्राउंड जो दिख रहा था 8 नंबर पिन से, ये दोनों आईसी से अब हम लोग इसमें क्या देंगे, लाइन देंगे, याद रखना दोस्तों अब हम लोग इसमें लाइन देंगे। देखिए दोस्तों लाइन देते ही हमारा ये ब्लिंक शुरू हुआ, मतलब एक बार ब्लिंक होकर ये ऑफ हो गया, अब हम लोग इसमें बैकलाइट को देखेंगे कि ये बैकलाइट जल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी इस आईसी में भी बहुत सा डस्ट लगा हुआ है, ये आईसी में भी बहुत सा डस्ट लगा हुआ है, ये दोस्तों हमारी जो बैकलाइट है वो जल उठी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बैकलाइट भी हमारा जल उठा है, यानी बैकलाइट भी हमारा ठीक है, यानी ये आईसी जो आपको दिख रहा है कि जैसे कि शॉर्ट है या जली हुई जैसे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन नहीं, क्योंकि ये हमारी जो बैकलाइट है वो जल रही है, यानी बैकलाइट भी हमारा ठीक है, सेट भी हमारा ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।